बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एनटीएस टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। और दोस्तों, और एनटीएस का ओरिजिनल पेपर पीएसटी का जो 2018 में हो चुका है उसको हम हल कर रहे हैं। इससे पहले मैथमेटिक पार्ट्स को हम हल कर चुके हैं। अगर जिन दोस्तों ने मैथमेटिक पार्ट्स को नहीं वो वीडियो नहीं देखे तो आप इस तरह करें कि मेरे चैनल पर जाके, ये मेरा चैनल है, मेरे चैनल का नाम है एनटीएस टेस्ट मास्टर। आप यूट्यूब में एनटीएस टेस्ट मास्टर दोगे तो मेरे चैनल ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाएगा। तो आपने ऐसा करना है दोस्तों कि जैसे यहाँ आओगे तो ये प्लेलिस्ट पर क्लिक करें, प्लेलिस्ट पर मैथमेटिक पोर्शन पे जाना है। मैथमेटिक तो ये वाले देखे, ये मैथमेटिक क्वेश्चन विथ आंसर, तो यहाँ पर वो मैथमेटिक का पार्ट पड़ा हुआ है। आज हमने ऐसा करना है कि साइंस पार्ट के जितने क्वेश्चन है तमाम के तमाम इसी एक वीडियो में उनको हल कर रहे हैं, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन ज्यादा वजाहत तलब नहीं होते। मैथमेटिक के क्वेश्चन क्योंकि उनकी वजाहत बहुत ज्यादा थी तो उस पर टाइम बहुत ज्यादा लगा था, और तकरीबन वो 9 वीडियोज हमने रिकॉर्ड की है, 9 या 8 वीडियोज हैं, तकरीबन 8 या 9 वीडियोज हैं उनको रिकॉर्ड की हमने। और जनरल साइंस का जितने भी इसमें क्वेश्चन है जनरल साइंस पोर्शन में उसको सब के सबको एक ही वीडियो में उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, क्वेश्चन 51 ये वाला क्वेश्चन कुछ इस तरह है, कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए जो मीन टेम्परेचर है वो कौन सा है दोस्तों? असल में फोटोसिंथेसिस के लिए जो मौजूद टेम्परेचर है वो 25 to 35 या 25 to 30 है एक्चुअली, क्योंकि वो 25 से शुरू होता है। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है 25C ऑप्शन, ये हमारे पास 25 है। लेकिन इसको हम ऐसे लिख सकते 25 to 30 25 to 35, लेकिन यहां पर इस तरह नहीं दिया गया, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो ऑप्शन सी 25। दिस इज द मोस्ट सुटेबल टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके दोस्तों, ओके। क्वेश्चन नंबर 52 देखें, कार्बन डाइऑक्साइड इज कंबाइंड विद वाटर टू फॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी के साथ कंबाइन हो जाता है सिंथेसिस हो जाती है, तो उससे क्या चीज बनती है? ऑप्शन में हमें दिया गया है, देखिए ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड विन कंबाइंड विद वाटर इट फॉर्म्स ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी में उसको मिला लेते हैं तो क्या बनते हैं उससे? ग्लूकोज बनते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 देखें, 53 क्वेश्चन 53 लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड व्हाट फॉर देयर एक्टिविटीज। लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी सरगर्मियों के लिए किस चीज की जरूरत होती है? आए उनको एनर्जी की जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की, मिनरल्स की, रैन की, तो एनर्जी द करेक्ट ऑप्शन इज ए, एनर्जी को उनको जरूरत है। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर देयर एक्टिविटीज, एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर एक्टिविटीज। क्वेश्चन 54 सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने का हेस जो है डिक्रीजेस विद, डिक्रीज इन एच, इंक्रीज इन एच, इंक्रीज इन कैल्शियम, डिक्रीज इन थिंकिंग, तो जैसे यहां पर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डी है, इंक्रीज इन एच। विद इंक्रीज इन एच The sense of smell decreases. Okay, question number 55. देखें, question number 55 है हमारे पास, blank space दिया गया है और ये लिखा हुआ है is a technique, तरीका है through which we can produce more yield of crop. कौन सा technique है जिसके जरिए हम ज्यादा फसल पैदावार पैदा कर सकते हैं, फसल की ज्यादा पैदावार पैदा कर सकते हैं? ऑप्शन 1 इज क्लोनिंग, टिश्यू कल्चर, ड्रॉपिंग, बडिंग।
यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास दोस्तों जो है ये टिश्यू कल्चर है। ये एक टेक्निक है जिसके जरिए हम ज्यादा पैदावार पैदा कर सकते हैं दोस्तों। दिस इज अ टेक्निक थ्रू विच वी कैन प्रोड्यूस मोर यील्ड ऑफ क्रॉप। क्वेश्चन नंबर 56 ब्लैंक स्पेस है, फिर लिखा हुआ है एस प्रोड्यूस थ्रू ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया which is used to control diabetes. This is an easy question. So, here the correct option is insulin is used. Correct option? What is our option? Insulin. This C, option C is the correct option. Insulin is used through transgenic bacteria which is used to control diabetic. Figure in the figure, you will see that इंसुलिन की इंजेक्शन लगाते हैं दोस्तों, शुगर को कंट्रोल करते हैं इंसुलिन के जरिए। क्वेश्चन 57 कहते हैं दोस्तों कि इफ देयर इज मोर एवापोरेशन देन व्हाट हैपन, अगर एवापोरेशन ना होती तो क्या होता दोस्तों। वाटर विल डिसअपीयर, सॉइल कंपोजिशन गेट चेंज्ड, नो प्लांट विल सर्वाइव, no cloud formation takes place. Option D is the correct option. This, अगर evaporation ना होता तो बादल नहीं होते, no cloud formation takes place. Question 58. Blank space is necessary in the process of burning of wood. लकड़ी को जलाने के अमल के लिए किस चीज की जरूरत है? एयर, फ्यूल, तरकीब, ऑयल और आग। दोस्तों अगर आपने देखा हुआ तो बंद जगह पर आग नहीं जलती, उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, एयर। तो एयर इज नेसेसरी इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ वुड। क्वेश्चन नंबर 59 देखें दोस्तों, 59 नंबर क्वेश्चन है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रगड़ी कोर जो है ऑलवेज अपोजिस, उस मुखालिफत करना पुशिंग फोर्स एंड मोशन, फ्रिक्शन इज डी टू व्हाट, ये हमेशा एक दूसरे के अपोज होते हैं। यहां पर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डी है दोस्तों, कांटेक्ट बिटवीन बॉडी एंड सरफेस बिलो, इसका यहाँ जो कॉन्टेक्ट है ना जैसे यहाँ से ये दूसरे के अपोजिट मोशन होते हैं, उसमें फोर्स और अपोजिट होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, क्वेश्चन 60 साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, दोस्तों अगर आपको याद हो तो 6-7 के जो साइंस मैंने रिकॉर्ड किए थे उसमें दो तीन चार क्वेश्चन ऐसे कि वो इसमें से गुजर गए, उसमें एक क्वेश्चन ये ही बता साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू या साउंड कैन नॉट पास, यही ऐसा भी आप कह सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन हियर इज वैक्यूम, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, साउंड कैन नॉट पास थ्रू विद वैक्यूम। क्वेश्चन नंबर 61 विच पार्टिकल ऑफ एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये तो इंतहाई इजी क्वेश्चन है दोस्तों। न्यूट्रॉन पर अगर आपको पता हो तो दोस्तों इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। क्वेश्चन नंबर 62 एम ऑफ थर्मोस फ्लास्क, सुराही थर्मोस का जो सुराही है इज टू स्टॉप फ्लोइंग आउट, उसके उसका एम क्या, मकसद क्या थर्मोस फ्लास्क। अल्फा मापीट काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, वाइब्रेशन मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल, रेडिएशन, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन इज ए, एम ऑफ थर्मोस फ्लास्क इज टू स्टॉप ऑल फॉर्म्स ऑफ हीट फ्लोइंग आउट, हीट को बाहर जाने नहीं देता, हीट को बाहर जाने नहीं देता। क्वेश्चन 63 देखें दोस्तों, क्वेश्चन 63 देखें,
the water waveform on the surface of water in a fan, इसी तरह में जो लहरें पैदा होती हैं वो किस चीज की एग्जांपल है, इज एन एग्जांपल ऑफ. द करेक्ट ऑप्शन हियर इज बी, ट्रांसवर्स वेव, तिरछी होते होते वाले हैं, ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल है. क्वेश्चन 64, कॉमेट्स रिवॉल्व अराउंड द, कॉमेट्स दुमदार सितारे को कहते हैं. द करेक्ट ऑप्शन हियर इज बी, सन, कॉमेट रिवॉल्व अराउंड द सन. क्वेश्चन 65 देखिए, 65, क्वेश्चन नंबर 65, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसीज, इस याद हो तो ये क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में गुजर चुका है, डैमेज द ओजोन लेयर, और ये सीएफसी किस चीज से पैदा होती है पता होना चाहिए. क्लोरोफ्लोरोकार्बन डैमेज द ओजोन लेयर. क्वेश्चन 66, आउटसाइड द लिविंग सेल वायरसेस गेट कन्वर्टेड इनटू, ये क्वेश्चन भी हल्का हो चुका हूं मैं, क्रस्टल. वायरसेस जब सेल के बाहर होते हैं तो वो क्रस्टल की तरह नजर आते हैं, और जब वो सेल के अंदर होते हैं तो ये वायरसेस आर लिविंग थिंग्स, लिविंग होते हैं. क्वेश्चन 67 देखिए दोस्तों, 67, क्वेश्चन नंबर 67, मेटल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ हाई डेंसिटी, मेटल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द बाय प्रेजेंस ऑफ हाई डेंसिटी. क्वेश्चन नंबर 68, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैन बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सॉलिड ट्राई आइस बाय व्हाट, बाय कूलिंग. कार्बन डाइऑक्साइड की अगर कूलिंग पैदा किया जाए तो ड्राई आइस में कन्वर्ट हो जाता है बाय कूलिंग. क्वेश्चन 69, इन फ्लावरिंग प्लांट्स गैसियस एक्सचेंजेस विद एनवायरमेंट मेनली टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा, करेक्ट ऑप्शन इज स्टोमेटा. क्वेश्चन 70 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70, Which of the following plant is, sorry, planets is closest to the sun? कौन सा सयारा सूरज के करीब है? अब तरतीब से देखें, सबसे करीब सतह सयारा जो है वो मरकरी है, जो सन के करीब. क्वेश्चन 71, क्वेश्चन नंबर 71, एनिमल फैट चर्बी रिएक्ट with sodium hydroxide to produce, जानवर का चर्बी जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके सॉप साबुन पैदा करता है. क्वेश्चन 72 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन, इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी केमिकली प्रोड्यूस बाय यूजिंग ड्राई सेल, यूपीएस में अगर आपने देखे होंगे बैटरीज में तो ऐसी इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं. तो ये थे दोस्तों ऑब्वियसली पेपर 2018 का साइंस पार्ट. इसे इसके बाद कोशिश करते हैं कि सोशल स्टडीज पार्ट आउट करिए या इंग्लिश पार्ट को करते हैं, देखेंगे इंशाल्लाह ताला. दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोज को शेयर करना का मत भूलिएगा दोस्तों. थैंक यू फॉर वॉचिंग.